तो साहब बधाई हो, जीजा जी ने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्दी पार्लियामेंट तक पहुंचने जा रहे हैं। भाई एक बात तो विशेषता है प्रियंका गांधी में देश का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कोई हो ना हो, कि साहब उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। भाई कितनी बड़ी बात है, हैं? मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ऐसे प्रत्याशी तो पीएम फेस होने चाहिए। वो क्या कहा जाता है, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू प्रियंका गांधी पर आए, कि नरेंद्र मोदी के सामने टिकने का किसी में दम नहीं है। और प्रमोद कृष्णन ने यह ऐलान कर दिया है कि पीएम फेस अगर होना चाहिए वो प्रियंका होनी चाहिए, ना कि राहुल। कि मजा तो तब आएगा जब प्रियंका जी राजनीति में आए और काशी से चुनाव लड़ें तो नरेंद्र मोदी जी वहां से भागते नजर आएंगे। उद्धव ठाकरे जी अगर वाराणसी लड़ें, क्योंकि अयोध्या के बाद में धार्मिक उद्धव ठाकरे जी अगर वाराणसी लड़ें तो साहब मोदी जी के लाल किले पे दिए भाषण पे मैंने आपसे बताया था, उनकी जो अन्य बातें हैं जो उन्होंने विशेषकर सनातनी भाइयों से कहीं, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताई थी और साहब खुल के बताई थी कि सनातनी भाइयों, वो आपको एक संदेश दे रहे थे, किसी घटना दुर्घटना का एहसास करा रहे थे। अब आपको कितना एहसास होता है कितना नहीं होता है, ये लोकतंत्र है, ये आपकी मर्जी है। आप 2024 में क्या करेंगे, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या आप ममता दीदी को देखना चाहते हैं, ये आप तय करेंगे, पर वोट डालने जरूर जाइएगा। अब उसके बाद मैंने ये भी वादा किया था मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल विश्लेषण करूंगा, तो साहब वो भी कर लेते हैं। परिवारवाद पर भी बरसे माननीय नरेंद्र मोदी जी, और साथ ही साथ आते आते इसी बीच इसी 48-72 घंटे में बहुत सी बातें आते आते जुबां पर आ गईं, देर आई पर आई। जैसे ज्ञानवापी के लिए मैं आपको बताता हूं कि हाल में आते आते जुबां पर कुछ बात आ गई, तौकीर की बात आ गई बरेली के मौलाना साहब की, कि साहब वो था तो लगता है मंदिर पर बाद में उसे मस्जिद बना दिया गया। इंतजामिया कमेटी के वकील साहब की बात आ गई कि साहब अगर आप 500 साल पुराने के जख्म क्यों कुरेदने चाहते हैं। पार्लियामेंट में ओवैसी साहब की जुबान से निकल गया कि साहब ये प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट इसीलिए बनाया गया था ताकि पुराने जख्म हरे ना हो। तो देखिए आ गई ना आते आते। तो अब प्रियंका जी के बारे में भी आते आते बहुत सी बातें जुबान पर आ गई, और जाने अनजाने रॉबर्ट वाड्रा साहब के भी मुंह से उनकी जुबान पर बहुत सी बात आ गई। प्रियंका गांधी जी के जो निजी सचिव हैं श्री प्रमोद कृष्णन जी, अच्छे व्यक्ति हैं जानता हूं, प्रेम से मिलते हैं, उनकी जुबान पर भी बहुत सी बातें आ गई, जिससे ये साबित हो गया कि राहुल गए हार, इसीलिए प्रियंका की अब एंट्री की बात हो रही है। प्रियंका गांधी जी के लगभग निजी सचिव जो बड़े करीबी माने जाते हैं प्रियंका गांधी जी के, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि राहुल हार चुके हैं। बताया नहीं, ये तो है विश्लेषण के तौर पर, हम विश्लेषण करके आपको बताएंगे। अगर लगे गलत है तो लिख दीजिएगा, अगर लगे सही है तो फिर आप अगर पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, पॉलिटिकल वीडियो है और एक विशेष तौर परिवार पर वीडियो है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम मुसलमान भाइयों, कैसे हैं जनाब? चलो बाकी लोग ढक्कन खोलो, गटर के बाहर आओ, सुन के गाली दे के अंदर चले जाना। तो साहब लाल किले पर खड़े होके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद पर हमला किया। परिवारवाद भारत की राजनीति में हर जगह है, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा है, बहुत स्पष्ट है, साफ है। और शीर्ष के नेताओं में अगर आप देखें, आप अडवाणी जी को देखें, अटल जी को देखें, मुरली मनोहर जी को देखें, सुषमा स्वराज जी को देखें, उमा भारती जी को देखें जो पहले के दौर के थे, और अब अगर आप मिला के देखें तो कम से कम शीर्ष पर, बिल्कुल टॉप पर भाजपा में अभी भी परिवारवाद कहीं कहीं उसकी झलक नजर आ जाती है। मैं क्यों बोलूं नजर नहीं आती और झूठा बनूं, लेकिन हां तुलनात्मक नजरिए से ना के बराबर नजर आती है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
क्या बोला परिवारवाद के लिए, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवार ने, जे परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है जी। उसने देश के लोगों का हक छीना है, जिस तरीके से परिवारवाद ने इस देश को जकड़ के रखा है। एक व्यक्ति ने देश के लिए नहीं अपने परिवार की सोची और परिवार के लिए काम किया, ये आरोप लगता आया है एक विशेष परिवार पर। अच्छा, जब हम परिवार की बात करते हैं और अगर हम अगर इधर आ जाएं नेहरू गांधी परिवार की बात करते हैं, तो आज की तारीख में आपके दिमाग में सोनिया गांधी जी का नाम आता होगा, राहुल गांधी जी का तो आता ही होगा, भाई दोनों सांसद हैं, और एक आपके दिमाग में नाम प्रियंका गांधी जी का आता होगा। लेकिन जाने अनजाने रॉबर्ट वाड्रा साहब, हमारे प्यारे जीजा जी, क्या बोल गए ये देखिए। बोलना था अपनी वाइफ माननीय प्रियंका गांधी जी के बारे में, प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में, और परिवारवाद अब ये इतना फैल गया कि ये घर की बेटी से जीजा जी तक पहुंच गया। हाँ हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, देखिए। एंड आई डू ऑल माय सेवा एंड एवरीथिंग आई कैन डू फॉर एवरीबॉडी आई कैन, एंड आई एम नॉट इन एनी पोजीशन इन पॉलिटिक्स, बट आई गो आउट एंड डू थिंग्स ऑन माय ओन। मैं जो सेवा करता हूं, अभी मैं पोजीशन में नहीं हूं पॉलिटिक्स में, पर जो भी मैं आगे जाके करता हूं, जितना भी मैं कर सकता हूं। सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, लोगों से मिस हो गया ये, वो वाला वीडियो है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, याद है बचपन की वो कविता, सुनिए। People do feel that I should be in politics. People do see good in me. People do feel that I should be in politics. People see good in me. Very interesting. New development. आगे चलते हैं। People do see I have a good understanding towards it. But yeah, there will be a time for that and they'll see me there. There will be a time for that and they will see me there. There means parliament. तो साहब बधाई हो, जीजा जी ने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्दी पार्लियामेंट तक पहुंचने जा रहे हैं। अब वो 2024 में पहुंचेंगे या 2024 के बाद किसी बाय इलेक्शन के जरिए पहुंचेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि जीजा जी 2029 तक का इंतजार करेंगे। ये मेरा प्रिडिक्शन नहीं है, मैं तो बस चीजें छोटी छोटी पकड़ के लाता हूं और जो आप लोगों को सुनाता हूं। आगे चलिए। Once Rahul's back in Parliament, and I feel that you know I would prefer that Priyanka was there as well. Wow! पूरा परिवार अब Parliament पहुंच गया कि साहब राहुल, पहले उनका जो suspension है वो खत्म हो जाए और मैं तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, लेकिन पहले प्रियंका पहुंच जाए। माता जी मेरी सासू माँ पहले से हैं, तो एक फैमिली का ग्रुप फोटोग्राफ या ग्रुप सेल्फी वहां अंदर से पूरे परिवार का बेटर आएगा। तो एक तो टेक अवे ये है कि प्रियंका जी को तो आप मान के चलते थे वो एक दिन राजनीति में आएंगी, अब जीजा जी भी राजनीति में आने वाले हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऐलान है। अब इस ऐलान के बाद आपके नए नए जुड़े शिवसेना के जो घटक दल हैं, INDIA के जो घटक दल हैं, उनके संजय राउत साहब ने फंसा दिया इन्हें। अब फंसा दिया या फंसाने की कोशिश की ये नहीं पता, पर वो पता नहीं क्या कि झोंके में क्या बोल गए, सुनिए। वाराणसी तो जर प्रियंका गांधी निवडणुकीत उभ्या राहिल्या तर मोदींना वाराणसी सोडणं कठीण जाईल। हाँ, उन्होंने ये बोल दिया कि मजा तो तब आएगा जब प्रियंका जी राजनीति में आए और काशी से चुनाव लड़ें, तो नरेंद्र मोदी जी वहां से भागते नजर आएंगे। ये इन्होंने धर दिया। अब ये धर दिया क्या क्या करा ये आप लोग समझिए। फिर जब ये सवाल पूछा गया प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव से, देखिए साहब मेहनत बहुत करता हूं, कहां कहां की चीजें लाके जोड़ के आपको एक बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट और रेलेवेंट कंटेंट देता हूं, तो जब ये बात पूछी गई प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव से, भाई प्रमोद से, प्रमोद जी से, तो सुनिए उन्होंने उल्टा धर दिया,
सुनिए, बड़ा मजा आ रहा है INDIA में, सुनिए कि उद्धव ठाकरे जी अगर वाराणसी लड़ें, क्योंकि अयोध्या के बाद में धार्मिक उद्धव ठाकरे जी अगर वाराणसी लड़ें इन्होंने उल्टी तलवार चला दी। आगे सुनिए स्थान, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब उनके सुपुत्र हैं, उनके वो वारिस हैं, तो हम लोग सबके सब पलक पांवड़े बिछा के उनका स्वागत करेंगे। और अगर उद्धव जी काशी लड़ते हैं तो क्योंकि उद्धव जी की पीठ में छुरा किसने भोंका? बीजेपी ने। और बीजेपी के सबसे बड़े नेता कौन है? उद्धव ठाकरे नहीं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी के सामने उद्धव जी को लड़ाया जाए तो क्या होगा? और बदला ले लें अपना वो। नहीं, बदला जैसी शब्द को प्रयोग मैं नहीं करूंगा राजनीति में, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना। सुना, अब ये समझ में नहीं आ रहा कौन किस पर रख रहा है। ये संजय राउत साहब ने प्रियंका पे रख दिया और इधर प्रमोद कृष्ण भाई ने उद्धव ठाकरे पर रख दिया। तो ये तो इंडिया INDIA में अंतर अंतर ये चल रहा है, गुल्ली डंडे का मैच। अब आगे चलिए, जब प्रमोद भाई से ये पूछा गया कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, मोदी जी कैसे हार सकते हैं, तो भाई प्रमोद कृष्णन ने, जो प्रियंका जी के निजी सचिव हैं, ये भाजपा के नहीं है, इन्होंने ऐलान कर दिया, भाई ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, अब गलत है तो बताइए गलत है, इन्होंने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी फेल हो गए और बिना प्रियंका के नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है और INDIA को एक PM फेस चाहिए और वो PM फेस राहुल गांधी नहीं है, वो PM फेस प्रियंका गांधी है। जी हाँ, INDIA में भी कलेश है और यहां तो ऐसा लग रहा है परिवार में भी कलेश है, जिस कलेश के चलते तुमने 10 12 14 साल प्रियंका गांधी को रोक के रखा और अपने घर के लाडले को बार बार लॉन्च किया, लॉन्च फेल होता रहा। वो क्या कहा जाता है, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू प्रियंका गांधी पर आए। भाई एक बात तो विशेषता है प्रियंका गांधी में, देश का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई हो ना हो, कि साहब उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है। भाई कितनी बड़ी बात है, हैं, मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ऐसे प्रत्याशी तो PM फेस होने चाहिए जिनके नाक प्रियंका गांधी से मिले, जिनके बाल इंदिरा गांधी से मिले, है ना, ये सब तो होना चाहिए ना। तो साहब 14 साल बाद वापस प्रियंका को लॉन्च किया जा रहा है, ये देखते हुए घर की लाडली को कि लाडला फेल हो गया। तो सुनिए साहब प्रमोद भाई क्या बोल गए। तो मोदी को हराने की बात कर रहे हैं या बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी से मोदी बड़े हो चुके हैं, ये पहला ऐसा मौका है जब पार्टी से एक व्यक्ति बड़ा हो गया है। बीजेपी आज छोटी है, मोदी बड़े हैं, तो इसलिए अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन, देश की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी वर्सेस कौन। और बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है, चेहरा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि समस्त विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को, प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। जी सुन लिया, मोदी को हराना मुमकिन नहीं है जब तक प्रियंका गांधी INDIA की जॉइंट PM फेस नहीं होंगी। लेकिन इसका मतलब राहुल गांधी, गांधी परिवार के निजी लोगों ने, जो उनको व्यक्तिगत जानते हैं, जुड़े हैं, भरोसे के हैं, ट्रस्टेड हैं, मैं अनाप शनाप बात नहीं करता, चेले हैं वगैरह ये सब नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि प्रियंका गांधी ही एक ऑप्शन है। लेकिन इसी व्यक्ति ने जब इससे ये पूछा गया क्या प्रियंका गांधी काशी से लड़ सकती हैं, तो कटाक्ष धरते हुए उल्टा दांव रख दिया उद्धव पर, क्योंकि ये बात संजय राउत से आई थी। अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जीजा जी भी आने वाले हैं, प्रियंका दीदी भी आने वाली हैं, भाइया पहले से हैं, सासू माँ पहले से हैं, अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन एक चीज पकड़ के लाया हूं,
इस पूरी घटनाक्रम में आप लोगों को अब ये बता दूंगा कि नरेंद्र मोदी कितना बड़े कद का नेता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आज की बात तो सिर्फ गांधी परिवार की होगी, ना, इससे विश्लेषण करके बता दूंगा कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े कद का नेता है। अब ये बता देता हूं भाई, आप लोग बताइए, नेहरू गांधी परिवार ने पूरी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि, अपनी भूमि क्या बनाई? उत्तर प्रदेश, रायबरेली, इलाहाबाद, प्रयाग, अमेठी, सुल्तानपुर, यही बनाई ना, ये पूरी बेल्ट। इसके अलावा तो और कुछ नहीं बनाई, यहां उनकी मैक्सिमम पकड़ मानी गई, यहीं से उनके प्रधानमंत्री बन के गए, यहीं से नेहरू जी बन के गए, यहीं से आपके इंदिरा जी बन के गई, यहीं से राजीव जी बन के गए, यहीं से सोनिया जी बन के गई। अरे सोनिया जी का मतलब प्रधानमंत्री तो वो ही थी ना, हमारे माने मनमोहन सिंह जी तो राज्यसभा से थे, तो सब लोग यहीं से बन के गए, ठीक। अब युवा है, यंग है रिलेटिवली, कौन? प्रियंका गांधी मोदी जी से, ठीक। अब मोदी जी की आप पॉलिटिकल हैसियत देखिए, तर्क पे बात करता हूं कि वो बंदा 2014 प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नहीं, 2014 प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात के साथ साथ काशी से लड़ा, कॉन्फिडेंस, रिकॉर्ड मार्जिन से जीता, ऐसी बीमारी याद करिए, भूल गए होंगे आप लोग, केजरीवाल साहब को भी हुई थी, जो वो मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए काशी पहुंच गए थे, बाहर से फंड आए थे, बाहर से लोग आ गए थे, तो लग रहा था बड़ी हवा बंधी हुई है, रैली में ही उनके 1,00,000 आदमी हो गया था केजरीवाल जी के, ये किसी को नहीं पता कि उसमें 70,000 आदमी बाहर से मैनेज किया गया था, और उसके बाद केजरीवाल का क्या हाल हुआ था काशी में। तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले काशी आए, अपनी यहां पर राजनीति की, बनने से पहले, उससे पहले शायद आए नहीं थे काशी, और यहां पर चुनाव जीत के दिखाया जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और उस टाइम कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, अगले ने इतनी हिम्मत दिखाई और उसने अपना गढ़ उत्तर प्रदेश काशी को बना लिया। आज जब कोई ये बात सजेस्ट कर रहा है कि प्रियंका गांधी, गांधी परिवार की लड़की, काशी में योगी में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, तो उनके निजी सचिव व्यंग कर रहे हैं कि भैया उधव लड़ लेना, यानी कुल मिला के हिम्मत और औकात नहीं हो रही कि मोदी जी जिन्होंने 2014 के बाद अपनी इसमें यहां पर इस क्षेत्र में आके राजनीति शुरू करी, 2014 के बाद, उससे लोहा ले पाए, उससे टक्कर ले पाए। सोचिए, सोचिए कि अगर मोदी जी गुजरात की राजनीति अभी तक कर रहे होते और गांधीनगर से ही अडवाणी जी की तरह जीत रहे होते और वो उनकी राजनीति का गढ़ होता गुजरात, जैसे गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश हुआ करता था, ठीक, और कोई यहां से जाकर, यूपी से जाकर प्रियंका गांधी गांधीनगर में, वडोदरा में, गुजरात में सांसद बन जाती डंके की चोट पर, तुम्हारा तो यह हाल हो गया कि तुम अमेठी छोड़ के तुम्हें केरला भागना पड़ा। उस आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए कि गुजरात के साथ साथ वो यूपी आया, यहां जीता, और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे पूरे परिवार की राजनीति यूपी की कि तुम उससे लोहा ले सको, और तुम्हारा निजी सचिव कह रहा है कि उद्धव ठाकरे को लड़ा लो ना। तो जो मैं बात कर रहा था कि यहां से प्रियंका या राहुल जाते, गुजरात जाके चुनाव जीतते, गुजरात जाके सांसद बनते, और फिर कोई कहता कि नरेंद्र मोदी जी को गांधीनगर में या वडोदरा में राहुल गांधी से या प्रियंका से चुनाव लड़ना चाहिए, और भाजपा कहती ना भैया हम में तो दम नहीं है, तो आप लोग क्या अनुमान लगाते कि गांधी परिवार में क्या दम है यार? उत्तर प्रदेश छोड़कर आया, गुजरात आया, गुजरात से सांसद बना, और यहां के लोकल स्टेट के लीडर्स में, पुराने लीडर्स में, पॉलिटिकल फैमिलीज में दम नहीं है कि उसका सामना कर लें। तो सोचिए कितना बड़ा कद होता प्रियंका का। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा कद है कि उत्तर इंडिया नहीं, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली, द गांधी नेहरू फैमिली, कि आज इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि
कि उस क्षेत्र में आकर अपने ही क्षेत्र में, वो तो बाहर से आया है, अपने ही घर में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ ले। और लोग कहते हैं घर में कुत्ता भी शेर होता है, इससे बड़ी बात और क्या बोलूं कि अंदाजा लगाने के लिए कि नरेंद्र मोदी का इस टाइम कितना बड़ा कद है। राज्य के चुनाव में जहां मुख्यमंत्री चुने जाते हैं वहां तुम फिलहाल उससे टक्कर ले सकते हो, लोकसभा के चुनाव में 2024 में कम से कम इसी घटना से पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने टिकने का किसी में दम नहीं है। और प्रमोद कृष्णन ने यह ऐलान कर दिया है कि पीएम फेस अगर होना चाहिए वो प्रियंका होनी चाहिए, ना कि राहुल। इसका मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया है। और पुराना कौन है? पुराना राहुल है, दो बार का सांसद है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि राहुल गांधी मोदी से टक्कर नहीं ले सकता, ले सकती है तो प्रियंका ले सकती है, लेकिन प्रियंका भी ये गलती ना करे कि काशी में नरेंद्र मोदी से लड़ ले, वरना अपनी फजीहत कराएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।